अपनी मनपसंद मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा फिल्मी को और बेल आइकन को दबाएं। सुना तूने? अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो आज के बाद ये आवाज तू कभी नहीं सुनेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा। वेरी गुड, तो फिर अब से ठीक एक घंटे के बाद 1 करोड़ रुपया लेकर नारीमन पॉइंट के डेड एंड पर आ जाओ। क्या तुम मेरे बच्चे को भी वहां लेकर आओगे? सवाल नहीं, सवाल नहीं। पैसा मिलते ही तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, अगर चालाकी करने की कोशिश की ना तो जानते हो क्या होगा? मुझे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करने में बहुत मजा आता है। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं पैसा लेकर आ रहा हूं, मैं पैसा। क्या मांग रहा था वो? उसे हमारी सारी जायदाद दे दो, लेकिन मेरे मुन्ने को ले आओ, मेरे मुन्ने को ले आओ। घबराओ मत, मैं पैसा लेकर जा रहा हूँ, मैं मुन्ने को लेकर ही आऊंगा। तुम लोग नारीमन पॉइंट के डेड एंड पर पहुंचो, वहां पर मखीजा से 1 करोड़ रुपया वसूल कर लेना। हाँ सुनो सुनो, सबूत छोड़ने की मुझे आदत नहीं। पैसा मिलते ही मखीजा को खत्म कर देंगे। शाबाश, चलो चलो। सर, वो कॉल ट्रेस हो गई है, किडनैपर कंपाला हिल के इलाके में कहीं मौजूद है। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को और बच्चे को कानून के हवाले कर दो, वरना मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ेगी। ए अफजल, अरे फायरिंग शुरू करो। Yeah!
भटनागर एक बदनाम किडनैपर है जिस पर देश के कई राज्यों में बच्चे अपहरण करने का मुकदमा चल रहा है। यह मुल्जिम इतना शातिर और चालाक है कि अपने पीछे गुनाहों का कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक मनगढ़ंत कहानी सुनाकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मुवक्किल एक निहायत ही ईमानदार और इज्जतदार शहरी है। अगर ये इज्जतदार और ईमानदार है तो डिफेंस काउंसिल की नजर में चोर, डाकू, खूनी सब देवता और महात्मा कहलाएंगे। ऑर्डर योर ऑनर, जब तक कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता मेरे मुवक्किल को मुजरिम कहने का हक किसी को नहीं है। आज तक कोई भी केस, कोई भी मुकदमा इन पे साबित नहीं हो पाया है, सो इस लिहाज से ये बेगुनाह हुए। हाँ, इनका सिर्फ एक जुर्म है, उस दिन मौका वारदात पे ये कंपाला हिल्स के इलाके में मौजूद थे। उस इलाके में तो और भी लोग रहते हैं, फिर पुलिस ने इनको ही क्यों पकड़ा? पुलिस ने अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए मेरे मुवक्किल को मोहरा बनाया, क्योंकि किडनैपर्स के साथ क्रॉस फायरिंग में पुलिस के हाथों वो मासूम बच्चा मारा गया। इसलिए पुलिस अपने माथे की कालिक मेरे मुवक्किल के मुंह पे पोंछना चाहती है। पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सकता है कि हमारा मुवक्किल उस लौंडा का अपहरण किया है, अगवा किया है, उसका किडनैप किया। ऐसा कोई सबूत नहीं है, समझे कि नहीं आप? I'm extremely sorry। मेरी अदालत से ये गुजारिश है, ये दरख्वास्त है कि मेरे मुवक्किल को बेगुनाह साबित करते हुए पाइज़त बरी कर दिया जाए। मिलॉर्ड, कॉटेज से जो भी सबूत मिले हैं उनकी जांच पड़ताल हो रही है, और जब तक अदालत को पूरी रिपोर्ट नहीं मिल जाती मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस खतरनाक मुजरिम को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप मेरे मना करने के बावजूद मेरे मुवक्किल को बार बार मुजरिम कहकर पुकार रहे हैं। आप जानते हैं ये एक दिल के मरीज है, ही इज अ हार्ट पेशेंट, यू नो। मिस्टर राजू, आर यू ओके? योर ऑनर, माय क्लाइंट इज अ हार्ट पेशेंट, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम एक्यूट केस ऑफ एंजाइना। इनके चेहरे का पसीना देखिए, इनके चेहरे चलती हुई सांसें देखिए, देखिए। मिलॉर्ड, अगर मेरे क्लाइंट को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कानून होगा या अदालत होगी, और आप होंगे मिलॉर्ड, आप। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को अपने खर्चे पर किसी अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराने की इजाजत दी जाए। यह है इनकी मेडिकल रिपोर्ट। कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन इस अदालत का जज अंधा नहीं। उसकी आंखें हैं, वो देख सकता है, सही और गलत की पहचान भी कर सकता है। जब तक पुलिस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, अदालत राजू भटनागर को जुडिशियल कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। मेरा नाम बद्री नारायण डागा यूं ही नहीं है, मैंने सिर्फ जीतना सीखा है, सिर्फ जीतना। आज तक कोई केस नहीं हारा और ना ही तुम पे कोई केस साबित होने दिया है, और इस केस से भी मैं तुम्हें बहुत सफाई से बचा ले जाऊंगा। दो चार पेशी, दो चार सुनवाई, मामला फिनिश। लेकिन ये जज थोड़ा टेढ़ा लगता है। उसकी फिक्र तुम मत करो, डागा ने अच्छे अच्छे टेढ़ों को
सीधा कर दिया है। फिर ये जज चीज क्या है? मोना डार्लिंग, क्यूटी पाई, स्वीट हार्ट, टाइम टू गेट अप। आई सी। मोना डार्लिंग, देखो कौन आया है तुम्हें जगाने के लिए। मोना डार्लिंग, बाहर तो आप एक बड़ी शेरनी बनी फिरती हैं और यहाँ एक छोटे से मामूली कॉकरोच से डर गई। कॉकरोच शेर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है डैडी। चलिए कम से कम कोई तो ऐसी खतरनाक चीज है जिससे हमारी बेटी डरती है, वरना आपके डर से तो हमारे सारे नौकर भीगी बिल्ली बने हुए हैं। क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मैं एक जज की बेटी हूँ। यू नो डैडी, इन सबको कंट्रोल में रखना पड़ता है। कंट्रोल में तो रखना पड़ता है, मगर फिलहाल आप कंट्रोल में आ जाइए क्योंकि आपके कॉलेज के जाने का वक्त हो गया। ओह शिट। 61। यस सर। 62। उपस्थित हूँ श्रीमान। धन्यवाद। बालकों और बालिकाओं, प्रेम इस संसार की परम शक्ति है। अजंता और अलोरा की गुफाओं से लेकर जमुना किनारे निर्मित ताजमहल प्रेम के रंगों की विभिन्न व्याख्या करते हैं। इसी तरह की एक अद्भुत प्रेम कथा है शकुंतला और दुष्यंत की। इस कथा की एक खास विशेषता। जय मधुबाला, जय मधुबाला, जय मधुबाला, जय मधुबाला, हरि ओम मधुबाला। सु करवानो कई समझ पड़े छे के बाबा जी? जो दिखरा अभी अभी डंडा चालू किया है, उधर उधर का बात नहीं करने का। क्या बाबा जी, हमेशा पैसे की बात करते रहते हो। हम तो तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर सुनाने आए थे। कौन सा इम्पोर्टेंट खबर है? हाँ बाबा जी, आपने आज का फिल्म जगत पढ़ा है? फिल्म जगत? बाबा जी उसमें लिखा है कि स्वर्गीय मधुबाला जी की आत्मा माधुरी दीक्षित के अंदर आ गई है। बाबा जी तभी तो वो इतनी अच्छी एक्टिंग करने लगी है। मधुबाला के नाखून के बराबर वो छोकरी एक्टिंग कर लेगा ना तो अक्खा दुनिया के अंदर उसका नाम हो जाएगा। लेकिन बाबा जी कहाँ माधुरी दीक्षित और कहाँ मधुबाला। बाबा जी, जी अगर मधुबाला जिंदा होती तो आप क्या करते? हाँ देख देख रहा, मेरे को उसका याद दिला कर, तकलीफ मत दे। मधुबाला जिंदा होती ना तो उसके पार्क के अंदर मैं जान देकर शहीदों में अपना नाम लिखवा लेता। ले निकलो उसके हाथ के अंदर, दो समोसा खाओ थोड़ा थोड़ा करके। अरे अरे क्या करता है ये लोग, मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल करके गफा गप कोल्ड ड्रिंक पीता है। हाँ तो गर्ल्स, आज के नाश्ते का इंतजाम तो मधुबाला ने कर दिया। अभी आगे के लिए चलो, अपना अपना पॉकेट खर्च निकालो। ये लो, मैं बाबा जी से जाकर और खाना ले आती हूँ अभी। ओह गॉड, ये मोटी इतना खाती है फिर भी इसका पेट नहीं भरता। आई नो, स्टूपिड कैंकी। मोनिका, तुझे पता है सलमा के अब्बू बहुत बड़े हकीम हैं। इसने उसको कोई चूरन ला के दिया है, कह रही थी उसको खाने से लोहा भी हजम हो जाता है। मेरे अब्बू जान तो ऐसी ऐसी अनोखी दवाइयाँ बनाते हैं। बस बस सलमा, बस बस अपने अब्बू की पब्लिसिटी बंद कर। बाबा जी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे, देख लेना। अरे साला इतना टिंगू होके इसके साथ काय को पंगा ले लिया। नीलू क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या है? इस कबूतर ने मेरे सारे खाने का सत्यानाश कर दिया। देखिए जी, मेरा नाम कबूतर नहीं है जी। मुझे धक्का मारा और मेरे वक्षस्थल पर हाथ लगाने की कोशिश की। देखिए जी, तो मेरा कोई कसूर नहीं है जी। जी जी, मैं तो सीधे सीधे जा रहा था, बीच में आकर ये टकरा गई जी। एक तो नुकसान करते हो, ऊपर से बहस करते हो, ये सब नुकसान तुम्हें अपनी पकड़ से भरना पड़ेगा। देखिए जी, ये तो सरासर बेइंसाफी है जी। एक निहत्तर लड़की को छेड़ती बात शर्म नहीं आती जी। शर्म नहीं आती जी, एक
मरी जैसे पहलो। ए कबूतर, 150 रुपए दे जाना और कपड़े ले जाना। अच्छा जी, 150 रुपए लेकर आऊंगा जी। आज फैकल्टी की लड़कियों की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे साइंस फैकल्टी की लड़के के साथ ऐसे बिहेव करें? ये तो सरासर जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अजय तुम। अगर इनका जवाब नहीं दिया गया तो इनकी दादागिरी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। मजा तो चखाना ही पड़ेगा। लेकिन यार ये तो बताओ उसके आगे करना क्या चाहिए। ठीक है यार, विकास को आने दो। इन लड़कियों की ईंट का जवाब तो हम पत्थर से देंगे। लड़की बड़ी सर फेरे, ये लड़की बड़ी सर फेरे, रहना यारो संभल के। ये लड़की बड़ी सर फेरे, रहना यारों संभल के। ये लड़की बड़ी सर फेरी, रहना यारों संभल के। है चलती हुई फुलझड़ी, सबको जलाएगी। देखो देखो पूरी मवाली है होठों पे, होठों पे इसके काली है दिल की, ये दिल की थोड़ी सी काली है मोनिका। लड़की बड़ी सर फेरे, रहना यारो संभल के। है चलती हुई फुलझड़ी, सबको जलाएगी। देखो देखो पूरी मवाली है होठों पे, होठों पे इसके काली है दिल की, ये दिल की थोड़ी सी काली है मोनिका। है चलती हुई फुलझड़ी, सबको जलाएगी।
अभी हंस तू, अभी बताती हूँ तुझे उल्लू के पट्टे, ये ले। यू लंगूर लोफर, यू स्टुपिड, यू डैडी यू यस मी। अगर आपका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ तो इस घर में बहुत सारी प्लेटें हैं तोड़ने फोड़ने के लिए, आप कहें तो पेश करूं। डैडी भाई आखिर बात क्या है, हमें भी तो बताइए, इस घर को कूड़ेदान आप क्यों बना रही हैं? मैं नहीं बताऊंगी, ये मेरा पर्सनल मैटर है। अच्छा अच्छा, मतलब ये कि आज कॉलेज में एक बहुत बड़ी फाइट हुई है। मैं क्यों बताऊं? आप अपनी अदालत की बातें घर पे बताते हैं क्या? ओके ओके, आप कॉलेज की बातें घर में न लाए, मगर ये तो बताइए कि इन मासूम प्लेटों ने क्या किया था कि आप इन पे गुस्सा उतार रही हैं? क्या हुआ बेटी? ये खाने के नहीं दिखाने के हैं, ये नकली हैं, असली नहीं। अब बताओ क्या हुआ? ओ डैडी मैं क्या करूं, गुस्सा मेरे साथ साथ कॉलेज से घर तक चला आया, तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके गुस्से को ठंडा करना हम जानते हैं। नहीं डैडी, ये गुस्सा यूं ठंडा नहीं होगा, ये तो तभी ठंडा होगा जब उसकी भी वही हालत होगी जो उसने मेरी की थी। फैकल्टी की लड़कियों को छेड़ता है, शर्म बनता है हीरो। साले, तुम्हारी फैकल्टी की लड़कियों ने मेरे दोस्त के कपड़े उतार दिए और अब तुम मारा मारी पर उतर आए, मैं तुम सबकी खाल उखेड़ दूंगा। शुरू कर दी है, खैर जो हो गया सो हो गया, अब सब कुछ भूल जाओ और एक दूसरे के गले लग जाओ। चलो दिया तो क्या हुआ? ये मत समझना कि मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। ये कहानी तुमने शुरू की थी, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगी। You understand? हाँ तो सलमा, क्या रिपोर्ट है? इस फाइल में विकास की पूरी जन्म कुंडली बंद है। इसे बा आवाजें बुलंद पढ़ा जाए। यस योर ऑनर। विकास वर्मा वर्ल्ड अविनाश वर्मा, इसका विनाश तो मैं करूंगी। फर्स्ट ईयर में पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट, गुड। सेकंड ईयर में 80% टॉप मार्क्स, वेरी गुड। म्यूजिक और स्पोर्ट्स का शौकीन भी है, नाइस। पिछले दो सालों से बॉम्बे पूना रेस में
चैंपियनशिप भी मिल रही है। होल्ड इट, बॉम्बे पूना मोटरसाइकिल रेस, ये तो दो दिन बाद ही होने वाली है। हाँ, यस मे लॉर्ड। मिस्टर विकास वर्मा के जुर्म का फैसला हमारी अदालत बॉम्बे पूना रेस में करेगी। साथियों ने बहुत बचपना दिखाया, वो जज की बेटी को किडनैप करना चाह रहे थे, वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस को मालूम नहीं पड़ा, वरना आप पे एक और केस बन जाता। अब जो होना था वो तो हो गया वकील साहब। अब आप ये बताएं कि आपने जेलर पेरुमल से बात की? हाँ, मैंने जेलर पेरुमल से बात की। उनका कहना है वकील साहब। ओह, बैठिए। थैंक यू। सॉरी, मैं जरा राउंड पर चला गया था। कहिए, कैसे आना हुआ? राजू भाई, मिस्टर पेरुमल आपको इस जेल में वो सब फैसिलिटीज देंगे जो कि एक फाइव स्टार होटल में मिलती हैं। फाइव स्टार की क्या साहब, हम तो आपको 10 स्टार की फैसिलिटीज देंगे, लेकिन सिर्फ जेल के अंदर। समझा। फिर भी हम आपकी मदद के शुक्रगुजार होंगे वकील साहब। 5 लाख रुपया। थैंक यू सर। एनी टाइम। सलाम सर। क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू सिंह। ठीक है, बाहर जाओ। जी। गेट आउट। तो खबर सच निकली, जेल को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। क्या बात है, टीवी, वीसीआर, विस्की, इंपोर्टेड सिगरेट्स। तो तुम हो राजू भटनागर? जी।
बच्चों को किडनैप करने वाले करप्ट ऑफिसर्स को रिश्वत देकर जेल के कमरों में 5-स्टार होटल का कमरा बनाकर रहने वाले जी। मैं उन तमाम करप्ट ऑफिसरों को आज के आज सस्पेंड करा दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अपनी कीमत बोलो। क्या? अरे तुम मुझे खरीदना चाहते हो? दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है ऑफिसर, खरीदार होना चाहिए। वैसे भी राजू भटनागर को वर्दियां खरीदने का बहुत शौक है। तुम सेंटर के आदमी को रिश्वत देना चाहते हो? ये स्पेशल चेकिंग है, समझे? मिस्टर राजू भटनागर, तुम्हें पता नहीं है कि सरकारी ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने का क्या अंजाम हो सकता है। अब तुम्हें जिंदगी भर जमानत नहीं मिलेगी। सर, इसे तो सीधा अंडा सेल में डालवा दीजिए। डेफिनेटली, इसको पता नहीं हमारा पावर क्या है। पहले जेल से निपट लेते हैं, फिर इसको बताते हैं। पहले सामान उठाओ, सब लेके चलो यहां से। अरे अब क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे जेल के अंदर 3 ऑफिसर आए और मुझे खबर तक ना हो। उन तीनों की वर्दियों को देखकर तो ऐसा लगता था पेरुमल साहब कि वो जरूर किसी बड़े रैंक के ऑफिसर हैं और किसी स्पेशल राउंड के लिए आए हैं। कोई राउंड वाउंड पर नहीं आया था। मेरा दावा है कि वो सारा सामान इसी जेल में मौजूद है। तुम उन लोगों को पहचान तो लोगे ना? ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं तुम्हें जेल में राउंड पर लेकर चलता हूं। देखते हैं, चलो मेरे साथ। ठीक से काम करो, ध्यान से देखो, इनमें से तो कोई नहीं है ना? हाँ, चलो। पीकर विस्की राजू की, पीके सिगरेट फॉरेन की। आ गई मुसीबत हम सब की। तुम तीनों चिंदी चोर, अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम तीनों को अंडा सेल में बंद करा दूंगा। ओ साहब, ये हूल झपाट किसको दे रहे हो? चिंदी चोर किसको बोल रहे हो? हम चिंदी चोर है तो तुम कफन चोर है। अगर तुम्हारी नारकतों का पता ऊपर वाले साहब को चल गया ना, तो तुम्हारी वर्दी 2 मिनट में उतर जाएगी और धोने के लिए इसके पास आएगी। हा? और स्त्री के लिए इसके पास जाएगी। और मैं स्त्री से जला डालूंगा। बकवास बंद करो। अरे भड़को मत साहब, पहले हमारी बात तो सुनो। हाँ। क्या हम तीनों की थोड़ी कमजोरी है? जैसे मैं वीसीआर पे जब तक फुल नाइट पिक्चर नहीं देख लूं, मेरे को तो नींद नहीं आती है। और अपुन का क्या है साहब, जब तक अपुन के गले के गटर में 2-4 घूंट नहीं जाते ना, अपुन के दिमाग की घंटी नहीं बजती। हाँ। और अपना तो पीढ़ी से भी काम चल जाता है। लेकिन जब इम्पोर्टेड सिगरेट देख लेता हूँ ना, तो दिल मचलना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या सोचा कि हम सब जेल में तो है, तो वो माल हमारे कमरे मेरे हुए या इनके कमरे मेरे हुए तो क्या फर्क पड़ता है। थोड़े हाथ की चालाकी दिखाया, थोड़ा खोपड़ी का कमाल दिखाया और माल को इधर से उधर चंपत कर दिया। तो कुछ गलत किया साहब? बिल्कुल ठीक किया। बोलो साहब। मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ ना। एक मिनट जेलर साहब, आप जरा शांत हो जाइए, ये हमारे आपस का मामला है, आपस में ही निपटा लेंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक ख्याल है। सुना था हर शेर पर 1.25 शेर होता है और हर चोर पर मोर होता है। आज ये बात साबित कर दी तुम लोगों ने। राजू भाई, क्या एड़े का निशाना, बेवड़े की ताकत और ये खोपड़ी का चमत्कार, ये अगर तीनों एक जगह मिल जाए ना, तो राह चलते आदमी की आंख से सुरमा चुरा ले और उसको पता नहीं चले। तो आप पूछेंगे पकड़े कैसे गए, तू बता बे। जेल में थे इसलिए पकड़े गए, बाहर होते ना तो ढूंढते रह जाते। हाँ, लेकिन स्कीम बहुत बढ़िया बनाई थी तुम लोगों ने, चक्कर में आ गया मैं भी। अरे अपने खोपड़ी का दिमाग खूब चलता है, लेकिन क्या है, कभी इसका पासा कभी ठीक नहीं बैठा। एक बात पूछूं? पूछो। सुना है कि तुम छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके बहुत माल कमा लेते हो। माल तो सभी कमा लेते हैं, पर तुम नहीं समझ पाओगे। इसकी समझदारी वो थोड़ी कमजोर है। बहुत। ये ऊपर का जो माला है ना, ये खाली है। खाली जगहों को भरना मुझे अच्छी तरह से आता है,
मुझसे दोस्ती करोगे? विस्की पिलाओगे? डेली तो दोस्ती होली। ठहर अकेले कहाँ पी रहा, गिलास में डाल। ओ काली साला, इसको भी दे। चेयर्स, बताओ यार, चेयर्स। क्या विकास वर्मा का घर यही है? हाँ, लेकिन ये फूल किसने भेजे? अपन तो पढ़ा लिखा नहीं है साहब, यहाँ पे लिखा है, खुद ही देख लीजिए। From Monica, with love. विकास! पागल हुई हो क्या? गिर जाती तो? गिर जाती तो तुम हो ना संभालने वाले। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया हूँ, तुम्हारी कोई भी चाल अब मुझ पर कामयाब नहीं होने वाली, समझी? विकास, सुनो तो। कितना भाव खाता है, पर मैं भी छोड़ूंगी नहीं। ला 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 ला। हाय। विकास, विकास मेरी बात तो सुनो, क्यों सता रहे हो इस तरह से? बोलो ना, तुमने मुझे माफ कर दिया? देखो देखो, तुम्हें बोलना ही होगा, तुम्हारी खामोशी मुझसे सही नहीं जाती। बोलो ना, बोलो, जवाब दो। विकास, तुम्हें बोलना ही होगा, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ। विकास, विकास, सॉरी। मोनिका बेबी, कैसी दीवानगी है, क्यों इस तरह उसके पीछे भाग रही है? पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, विकास के प्यार ने मुझे पागल कर दिया है। तू तो जानती है ना सलमा, कि मैंने आज तक जो चाहा वो हासिल किया, और मैं विकास के प्यार को भी हासिल करके रहूंगी। लेकिन इस तरह उसके पीछे भागने से वो तुझे मिल तो नहीं जाएगा ना? देख, वो तुझे जान पूछ के सता रहा है। वो जान पूछ के मुझे सता रहा है, मैं जानती हूँ, अंदर ही अंदर वो भी मुझे प्यार करता है। देख, अब ये सच है या झूठ, इसका पता लगाने के लिए तुझे उसके दिल में झांकना पड़ेगा। But how is that possible? किसी के दिल में क्या है, हम कैसे जान सकते हैं? जानना चाहती है? मेरे अब्बू ने एक ऐसी गोली बनाई है जिसको खाते ही इंसान सच बोलने लगता है। क्या तू सच बोल रही है ना? हाथ कंगन को आरसी क्या, ये ले, आजमा के देख ले। लेकिन इसको आजमाए किस पे? देख देख, नीलूफर आ रही है, आज इस मोटी को हलाल करते हैं। चल। हाय मोनिका। हाय सलमा। हाय। देखो ना कितनी गर्मी है। अच्छा है ना, तेरी सारी चर्बी पिघल जाएगी। क्या? तो छोड़ ना, इसे तो मजाक करने की आदत है। चुप चश्मू। ले तू कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। पी पी। तुम भी पियो ना। हाँ, तू भी ना। कुछ हुआ? क्यों, क्या होने वाला था? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम लोग तो ये डिस्कस कर रहे थे कि जवानी के दिनों में सबके दिल में कुछ कुछ होता है, तेरे दिल में अभी तक कुछ नहीं हुआ? हाय, जब से मेरा सपनों का प्रिंस चार्मिंग मेरी जिंदगी में आया है ना, मेरी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों गायब हो गए हैं। उसका दुबला पतला कद मेरी आंखों के सामने पूरा दिन लहराता रहता है। लेकिन वो है कौन? मेरी सपनों का राजा है चार्ली। क्या? एक्सक्यूज मी, पता चलता क्या विकास की कोल्ड ड्रिंक में दवा मिला दी है ना? सिर्फ विकास के कोल्ड ड्रिंक में ही नहीं,
तुम्हारी सहेली के कोल्ड ड्रिंक में भी मिला दी। जवा है सांसों में बस जा तू मेरी दिल में उठा तू भा है।
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मोना बेबी, ये सब क्या हो रहा है? डैडी, मैं खाना बनाना सीख रही हूँ और आज के बाद आपको सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा। चलिए शुरू हो जाइए, स्टार्ट स्टार्ट। हाँ हाँ, शुरू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, मगर सबसे पहले आप एक बात मुझे बताइए, आपकी तबीयत तो ठीक है? मतलब ये कि किचन, ये खाना, ये वो क्या है कि डैडी, डैडी अभी हर लड़की को एक ना एक दिन तो अपने डैडी का घर छोड़ के जाना ही पड़ता है ना। हाँ। और अपने पति के घर जाकर उसे खाना बनाना ही पड़ता है। हाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए। अच्छा, मतलब ये कि यस डैडी, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। तो आपने शादी करने का फैसला कर लिया है, मतलब ये कि आप ये समझती हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई है कि ये फैसले आप खुद ही कर लिया करें। ऑफ कोर्स डैडी, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरी उम्र 21 साल की है, सो आई एम एडल्ट, मतलब कि मैं बालिग हो चुकी हूँ। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है डैडी कि मैंने सोच समझ के अपने पूरे होशो हवास में अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। आई सी। और मैं ये चाहती हूँ कि आप उसके घर जाकर उसके मम्मी पापा से मिलकर हमारी शादी की तारीख पक्की कर दें। मतलब ये कि आपने अपनी ही मर्जी से शादी तय कर ली है। क्यों नहीं, शादी मेरी है, मेरी मर्जी से नहीं होगी तो क्या आपकी मर्जी से होगी? और डैडी, मैं कह देती हूँ, अगर आपने मेरी शादी में कोई भी रुकावट डाली तो मैं लड़के के साथ भाग जाऊंगी। हाँ, और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि एक दो साल आप रूठे रहोगे, लेकिन क्योंकि मैं आपके इकलौती बेटी हूँ, आप मुझे मनाकर घर वापस ले आएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरा बेटा यानी कि आपका नाती दफा नंबर क्या डैडी? यार इस वक्त बिल्कुल याद नहीं आ रहा मुझे। खैर कोई बात नहीं, वो तो मेरा वकील बता देगा। उस दफा के तहत आपकी पूरी जायदाद का मालिक आपका नाती ही होगा। बस बेटी, बस बस, आप वाकई एक जज की बेटी हैं, ये हम मान गए। ये हुई ना बात। By the way, लड़के का नाम क्या है? विकास वर्मा। दादी माँ। अरे सर, आप और यहाँ। अरे तू इन्हें जानता है? अरे दादी माँ, वो मोनिका है ना? हाँ। जिसे मैंने गुंडों से बचाया था। हाँ। वो मेरी बेटी है। अच्छा। जिसकी इज्जत को विकास ने अपनी जान पे खेल के बचाया था। मैं तो ये जानने आया था कि विकास किस शेर का बेटा है जिसने मेरी जिद्दी बेटी को अपने काबू में कर लिया। आंटी। हाँ? आप मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना पसंद करेंगी? अगर विकास राजी है तो मैं इस रिश्ते को बजरंगबली का सबसे बड़ा उपकार समझूंगी। हे पवन पुत्र, मेरे विकास के जीवन में जितनी खुशियां आ रही हैं सब तुम्हारी कृपा से हैं। उसकी खुशियों को बुरी नजर से बचा के रखना, जीवन की हर परीक्षा में उसे सफल करना। थैंक गॉड, हमारे ग्रुप की सभी लड़कियां पास हो गई। मोना, मोना, साइंस फैकल्टी का रिजल्ट निकल आया है और विकास ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। और जानती हो, उसने आईपीएस का एग्जाम भी पास कर लिया है। Thank you.
सा लगा। मिल गई दुनिया की हर खुशी। जागते हैं हम तो रात भर। छा रहा है नशा, आ रहा है मजा, है धड़कने दीवानी हम भी बेखबर। जानम मेरे हमदम मेरी जिंदगी, ओ जानम मेरे हमदम मेरी जिंदगी। तुम मिले तो जन्म न होंगे मिलके हम जुदा। जानम मेरे हमदम मेरी जिंदगी, जिंदगी। जानम मेरे हमदम मेरी जिंदगी, जिंदगी। बेटे कहाँ गए तुम? आजा आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे बेटा, जानते हो कौन हम आपके? हम आपके डागा अंकल हैं। ये देखो आपके लिए क्या लेके आए। आ, 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 ये देखो इतनी सारी चॉकलेट। ये लो ये लो ये लो। देखो एक गिर भी गए। चलो कोई बात। मोंटी बोलो। मोंटी, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। डागा तुम? गुड मॉर्निंग सर, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको मिलता जाऊं। आपका नाती है ना, बड़ा प्यारा बच्चा है, वेरी नाइस बॉय। यहाँ तुम्हारे आने का मकसद किस लिए आए हो तुम? मेरे आने का मकसद तो आप ही जानते हैं सर। मेरी प्रैक्टिस में आज तक मैं कोई केस हारा नहीं। मुझे डर है कहीं मेरे करियर में कोई दाग न लग जाए। सच का मुकाबला करना सीखो डागा। झूठ की बुनियाद पे खड़े हुए इस केस में शायद हारना ही तुम्हारा मुकद्दर। इसीलिए तो आया हूँ सर, अगर आप चाहें तो मेरा मुकद्दर चमक सकता है।
राजू भटनागर जेल की सलाखों से निकलकर एक शरीफ शहरी की जिंदगी गुजार सकता है। राजू भटनागर लाख बुरा इंसान सही, लेकिन एहसान की कीमत चुकाना जानता है। एक हंसते खेलते मासूम बच्चे को टुकड़ों में बदलने वाले हैवान की जिंदगी को रिश्वत से खरीदने आए हो? जस्टिस सत्येंद्र सिन्हा के जमीर को खरीदना चाहते हो? अब तक तो मैं तुम्हें एक खुदगर्ज और लालची इंसान समझता था, मगर आज पता चला कि तुम एक निहायत जलील गिरे हुए और घटिया इंसान। जी चाहता है कि तुम्हारी वकालत की प्रैक्टिस के लाइसेंस को जब्त करा दूं। Get out of here! Get out of here! And don't ever come back! Your Honor, पुलिस तहकीकात और फॉरेंसिक जांच से ये बात साबित हो चुकी है कि वो बच्चा सेठ घनश्याम दास का ही था, जिसका किडनैप और मर्डर राजू भटनागर ने ही किया था। ये रही वो फाइल्स जिसमें राजू भटनागर के खिलाफ सारे सबूत हैं। योर ऑनर, अब फैसला आपके हाथ में है, लेकिन कोई भी फैसला देने से पहले आप ये जरूर सोच लीजिएगा कि ये शख्स समाज, पुलिस और कानून सबके लिए खतरा है, इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग है। इस वहशी दरिंदे के लिए तो फांसी की सजा भी बहुत कम है। इन रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए अदालत को थोड़ा सा वक्त चाहिए, लिहाजा अदालत अपना फैसला 3 दिन बाद सुनाएगी। जज साहब, जज साहब जी, आज तक हिंदुस्तान के जिस कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा चला है, उस कोर्ट के जज के घर में मैंने चाय जरूर पी है। यह मुकदमा खत्म हो जाने के बाद उम्मीद करता हूं कि ऐसा मौका आप भी मुझे देंगे। शो, हम आपकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। थैंक यू। अदालत ने आपको छोड़ दिया तो मेरे घर में, और सख्त सजा दी तो जेल में। जी हाँ जी हाँ, लेकिन अदालत का फैसला तो आप ही के कलम से लिखा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, मगर मेरा कलम जब कोई अदालत का फैसला लिखता है तो उस पर मेरा नहीं, इंसाफ का हक होता है। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर आप अपनी उस इंसाफ की ताकत को बता दीजिएगा कि राजू भटनागर जो है वो दोस्तों के दोस्त हैं। और राजू साहब, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहा हूँ? जी नहीं जैसा, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। ऐसी ही गुजारिश, ऐसी ही रिक्वेस्ट लेके आपके वकील मेरे घर आए थे। हाँ जी, मैं जानता हूँ, आपने उस साले को गेट आउट करवा दिया था। और इसके बावजूद आपकी इतनी हिम्मत कि आप इस किस्म की गुफ्तगू मुझसे करें? अरे नहीं जैसा, मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि राजू भटनागर जो है वो कोई आम आदमी नहीं है। 35 साल में मैंने 3500 मुजरिमों के साथ इंसाफ किया है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सबसे ज्यादा घटिया, कमीने और जलील इंसान आप हैं। जस्टिस सिन्हा, एक बात और सुन लो राजू भटनागर, कानून की नजर में तो तुम गुनहगार हो ही, आज इंसानियत की नजर में भी तुम गुनहगार हो गए हो। तू तो कहता था कि 2-4 पेशी, 2-4 सुनवाई और मामला फिनिश। एक बात याद रखा डागा, अगर मुझे सजा हुई ना तो बनेगा तू भी। गुस्सा करना सेहत के लिए बहुत बुरी चीज है, रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स, देखो इस केस की चाबी जस्टिस सिन्हा के हाथ में है, वो चाहे तो तुम्हें बाइज्जत परी कर सकते हैं, और वो चाहे तो तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका सकते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? हाँ, यू अंडरस्टैंड? यस, आई नो व्हाट यू मीन। अरे क्या राजू भाई, 9 कलाक से राउंड पे राउंड मार रहे हो, बोलो तो सही कि क्या परेशानी है यार। अरे दोस्ती की है तो निभाना भी सीखो यार। क्यों? अरे आप उनको मालूम है राजू भाई को क्या हुआ है? क्या हुआ? कल हम लोगों की रिहाई का दिन है, जेल से जा रहे हैं, इसलिए राजू भाई जरा उदास हो गए। बाहर निकल कर तो तुम लोग वही छोटा मोटा काम करोगे, कितना कमा लेते हो? राजू भाई, बुजुर्गों ने कहा है कि औरत से उसकी उम्र और मर से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। नहीं, मेरे पूछने का मतलब कुछ और था। बाहर निकलकर अगर मेरा एक छोटा सा काम करोगे तो उसके बदले मैं 5 लाख रुपए दूंगा।
5 लाख तीनों को 5-5 लाख 5-5 लाख एक एक करना क्या है? किडनैप करना है इस बच्चे को, अगवा करना है इसे। एक बीड़ी पिला। अरे जेब में 555 है और बीड़ी मांगता है क्या यार? मांगने की आदत पड़ गई ना, चोर चोरी से जाता, हेरा फेरे से थोड़ी जाता है। सलाम साहब। ये हमें सलाम करने वाला कौन पैदा हो गया? क्या है भाई? वकील साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। वकील साहब? अबे वो वकील की अपने फीस नहीं दिए थे ना, तो उसने अपने को सजा करवा दिया था। हाँ। लगता उसने गाड़ी भेजा। नहीं जी, ये डागा साहब ने भेजी है। ओ डागा साहब ने? अरे वो वकील साहब जो बातों के सच्चे हैं, दिल के अच्छे हैं, शक्ल के लुच्चे हैं। वो वकील साहब? वो वकील साहब ने, उन्होंने गाड़ी भेजी है। दरवाजा खोलो, गाड़ी में बैठे ना पहले कभी। चलो चलो बैठ। ए बाप, ये नोट असली है या डुप्लीकेट है? खुद हाथ बढ़ाओ और देख लो। अरे यार बिल्कुल असली है, लगता है अभी अभी नासिक के टाकसाल से निकाल कर लाया है। गरम है क्या? अरे एकदम गरम है। ये फाइल है, इसमें लिखा है कि बच्चा कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, कितने अंश दूध पीता है, दिन में कितनी बार पीता है, उसके घर वाले उसे कब और कहां घुमाने ले जाते हैं। लेकिन याद रहे, मुझे बच्चा 24 घंटे के अंदर चाहिए। नहीं तो? नहीं तो anyway, मेरा प्लान इस तरह है। एक मिनट वकील साहब, हम लोग काम करने का स्टाइल ऐसा है कि काम तुम्हारा पिलान हमारा। करेक्ट। ये अपना यार खोपड़ी है ना, इसकी खोपड़ी की चक्की जब चलती है ना, तो भगवान भी शैतान को याद करना शुरू कर देता है। क्या करता है? शैतान भी भगवान को याद करता है। ये बराबर है। करेक्ट। Oh,
बच्चा तो चुरा नहीं पाए, अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। खोपड़ी की खोपड़ी यहाँ अटक गई, अब मुझे ही कुछ नया आइडिया सोचना पड़ेगा। अबे आइडिया वाइडिया सोचना तेरा काम नहीं है, बेवड़ा तू बेवड़ा पी, सोचना काम मेरा है। अबे मुझे चैलेंज मत दे, मेरी खोपड़ी के इंजन में ये बेवड़े का पेट्रोल जाने दे, फिर देख मेरी अकल की गाड़ी कैसे दौड़ती है। हाँ, ये लो। अबे ये क्या है, सिर्फ उबले हुए चने? येड़ा को घोड़ा समझता है क्या? आज तक तो यही खाते थे, अचानक हाजमा क्यों खराब हो गया? अबे अपने पैजामे में रहकर बात कर, जा किसी अच्छे होटल से 3 तंदूरी चिकन, 3 चिकन फ्राई, 3 चिकन लॉलीपॉप फटाफट लेके आ, जा फटाफट लेके आ, जा। अबे ठहर जाए ए घड़ियाल, जाने देना। अबे एड़े तेरे भेजे में कीड़े पड़ गए क्या? क्यों इतना लंबा ऑर्डर तो दे दिया, अभी बिल तेरा बाप चुकाएगा कि मेरा बाप चुकाएगा? अरे बिल देने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए, दिल रहना चाहिए। जब जेब में नोट भरे हो ना तो मैं ये उबले हुए चने नहीं खाने वाला। हाँ बोलिए। यार क्या आइडिया दिया यार, अरे अपन लोगों की कड़की तो दूर हो गई। हाँ? फिर ये देसी काय को पीने की। ए, स्कॉच मंगा, स्कॉच, स्कॉच। स्कॉच मंगा, स्कॉच। स्कॉच पीने के लिए थोबड़ा दूसरा चाहिए, ये नहीं चलेगा। और बेटा 1200 रुपए की बाटली आती है वो? अबे 1200 हो या 12000 के, अपन के बाप का क्या जाता है? तेरा मतलब वकील साहब का सारा माल जो है वो तेरे गले की गटन में उतार देवे। अबे एक तो वैसे हम लोग पुलिस की ब्लैक लिस्ट में है, ज्यादा होशियारी मत करो नहीं तो पब्लिक को शक हो जाएगा। एक तो वैसे ही वो बच्चे को पुलिस की कॉलेज से उड़ाना बहुत मुश्किल काम है, बता रहा हूँ मैं तेरे को। तो फिर क्या करें? तुम दोनों ठहरे अंगूठे छाप, लेकिन अपन मिडिल फेल है क्या? अबे ठीक है ना, क्या घड़ी घड़ी यही बात करता रहता है। उस वकील के फाइल में साफ साफ लिखा है कि वो बच्चा हर संडे को अपने नाना मतलब जज साहब के बंगले पर रहने को जाता है। हाँ तो क्या हुआ? अरे यार समझने की कोशिश कर, वो बंगला मड आइलैंड पे है और सिर्फ 2 पहरेदार है और नौकर पीछे पीछे क्वार्टर में रहते हैं क्या? अरे जियो मेरे लाल, दारू पी के तो तेरी खोपड़ी की झोपड़ी में ट्यूबलाइट जल जाती है। और डाल वे ये ले, जल्दी से लंबा घूंट मार ले, लाल परी अंदर जाएगी ना कुछ न कुछ बाहर नाचते निकल आएगा। ये ले पी ले। क्या हुआ? अरे अंदर आग लग गई है। अरे आइडिया, अगर ऐसी ही आग जज के बंगले में लग जावे तो जल्दी करो, जल्दी से पानी लाओ। अरे और वाह! अबे तारीफ करा? अरे बाप रे, क्या आग लगी है? भयानक आग लगी है। अरे ये भी कोई आग है? ये तो यूं बुझ जाएगी। अबे तू पिटवाएगा, ये एक नहीं 5 फायर ब्रिगेड चाहिए इसको बुझाने के लिए। ओ आप लोग बहस ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? क्या करें? करेंगे? ओफो आग बुझाइए। आग आग, हम लोग फोन करके आते, तू आग बुझा दे। तू किधर पीछे आ रहा, उधर जा। पूरा बंगला देख लिया, बच्चा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। मगर तूने बच्चे की फाइल देखा था ना, उसका नाम क्या है?
मोंटी 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 मोंटी। अबे बच्चे को आवाज दे रहा हूँ। अच्छा 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 मोंटी मोंटी मोंटी। ये क्या कर रहे हैं आप? हाय क्या कर रहे हैं आप? पानी दे रहा हूँ। ओफो आग यहाँ नहीं यहाँ लगी है। जरा इसको पकड़ेंगे आप? इसको जी घबराइए मत, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कुछ पता चला? जी डैडी, फायरमैन के भेस में वो तीनों किडनैपर ही थे। कुछ ही दूर उनके कपड़े भी बरामद हुए हैं। लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि इस सब के पीछे उनका मकसद क्या है। हेलो सिन्हा हियर। आपका नाती हमारे पास सही सलामत है। कौन हो तुम? किडनैपर। हमारी बात मान लोगे तो बच्चे को खरोंच तक नहीं आएगी, वरना मुन्ने के बदले में कितनी रकम चाहते हो तुम? 2 दिन के बाद सब मालूम पड़ जाएगा। तब तक खामोशी से दूसरे फोन का इंतजार करो। और हाँ, बच्चे को ढूंढने की कोशिश मत करना, वरना उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। चालू चीजें, अबे आग मारता है। बहुत रोमांटिक माँ बाप की औलाद मालूम पड़ता है वो। अबे क्या घड़ी घड़ी आंख मार रहा है? अबे आंख मग मानेगा नहीं, चल खड़ा हो जा। अभी अपन कपड़े बदलेंगे, मैं तेरे को हीरो बनाता हूँ। आजा। लेट जा। पांव सीधा करना। अरे यार मैंने भी अभी चलो ये पहनेगा ना, ये पैर दूसरा। शाबाश। शाबाश, ये हुई ना साला, क्या दिख रहा है, बिल्कुल मेरे जैसा हीरो है ना। चले बेड़ा, इसका कुछ करना, वो पेट पूजा जल्दी करना यार, कितना टाइम लगा रहा है यार। दूध का बाटली तैयार है दोस्त, अभी पिला देता हूँ। आ रहा है, तू छोड़ मैं पिलाता हूँ। आ जा। शाबाश, आराम से पिलाना। ये ले दूध, पी दूध, पी ले। अरे ले यार, अरे शक्कर डाला है कि नहीं यार? अरे 2 चम्मच शक्कर डाला है, ये ले पी ले। एक मिनट, चक्कर गरम तो नहीं है? गरम अभी करता हूँ, ठहर रहे तू इधर, इसे पकड़।
अरे जल गया, जल गया, जल गया। क्या हुआ? अरे जल गया मेरा सर। इतना गर्म है? गर्म है पूछता है। अरे 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 मारा, तूने मुझे मारा। अबे क्या करता है यार, इसको चोट लग जाती तो? इसने मेरे को क्यों मारा? तूने मुझे क्यों मारा? तूने मेरे सर के ऊपर गर्म दूध क्यों फेंका? गर्म गर्म। अरे इसने मुझे चेक करने के लिए बोला था। अबे जाप, तुम्हारी वजह से रोने लगा है, चुप करा इसको। हाँ, ले बे, चले ना। अरे 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 चुप हो जा बेटे। ऐसे तो मैं नहीं चुप होने वाला। सुने, अरे हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे, हम तो इसको देना यार। ए, ले, चुप कर इसे, ले जाना यार। चुप हो जा, अरे अरे चुप हो जा बाबा। अबे मरवा दिया ना साला, वो रात भर रोता रहेगा, ना खुद सोएगा ना हमको सोने देगा। अरे कैसे रोएगा, अभी आइडिया निकालता हूं, पहले घूंट मारने दे मेरे को। खाली है, आइडिया चाहिए तो बोतल भी चाहिए, अभी मैं बोतल लाता हूं। रास्ता किधर है? इधर है। अरे हाँ रास्ता तो मालूम नहीं है, आइडिया देगा। ये लीजिए साहब। हेलो, रॉन्ग नंबर प्लीज। क्या चाहिए साहब? फोन करना है। साहब 10 बज गए हैं, मुझे दुकान बंद करनी है। पहले अपना मुंह बंद कर, ये ले 100 रुपया, दुकान 1 घंटे के बाद बंद होगी, जा। फुट 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 फुट। क्या नंबर है? हेलो। अरे ये कैसा बच्चा पैदा किया है, ना दूध पीता है ना सोता है, रोता है रोता है रोता है। कौन हो तुम? हम वही लोग हैं जिसने बच्चे को किडनैप किया है, क्यों रोता है वो? देखो देखो भैया, दूध में शक्कर कम होगी या दूध बहुत गर्म होगा, कोई ना कोई वजह तो है जो वो दूध नहीं पी रहा। बहुत रो रहा है क्या मेरा मुन्ना? रो रहा है? अरे रो रो के हमारे दिमाग का दही बना दिया है उसने, अब उसको सुलाऊ कैसे? सुनो सुनो, वो ऐसे नहीं सोएगा। आप उसे प्यार से गोद में लेकर धीरे से उसकी पीठ से लाइए, फिर उसे लॉरी सुनाएंगे तो वो सो जाएगा। लॉरी? ये लॉरी क्या होता है? लॉरी लॉरी काना भैया। अच्छा। हेलो मोना। हेलो मोना। हेलो मोना। मोना मोना, किसका फोन था? मोना, हमारा मुन्ना भूल गया विकास, रो रहा है, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो, मुझे मेरा बच्चा, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए, मेरा मुन्ना ला दो। भले मिले ला जा। हेलो नो नहीं, अरे ये 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 लो, हम तेरे सामने बंडल की तरह नाचेंगे। मोलो लो लो मामा, अरे लो 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 लो। क्या है बे, तू क्या हंस रहा है? हंस रहा हो तुम दोनों पे? एक बच्चे को नहीं चुप करा सकते और खुद को बड़े 30 मारखान समझते हो। तू 40 मारखान बन जाना, तू जरा चुप करके दिखा इसको। अभी चुप करा देता हूँ, बस एक लोरी बता दो। लोरी? वो क्या होती है बे? लोरी वो होती है जो एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती है। अबे मेरी माँ ने मुझे क्या गा के सुनाया था मेरे को याद नहीं और मैंने आज तक किसी दूसरी औरत को माँ बनाया नहीं, तो मेरे को क्या मालूम। मैं समझ गया, लोरी वो होती है जो महमूद ने कुंवारा बाप ने बच्चे को सुनाई थी। वही वही वही, अभी अपन की खोपड़ी में थोड़ी थोड़ी लोरी घूमना शुरू हो गई है। सो जाना तो सो जाना,
सो जाना भाई सो जाना। अबे अब क्या हुआ, क्यों है रोता हुआ, हम तुझे जान गए तो है पहुंचा हुआ। अबे अब क्या हुआ, क्यों है रोता हुआ, हम तुझे जान गए तू है पहुंचा हुआ। सर दर्द है सारा हा, 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 अपने बजे बारा हमारा। अबे अब क्या हुआ, क्यों है रोता हुआ, हम तुझे जान गए तू है पहुंचा हुआ। काहे तू शोर करे रे बच्चुए, काहे तू शोर करे अबे, काहे शोर करे रे बच्चुए, काहे तू शोर करे रे बच्चुए, काहे तू बोर करे रे बच्चुए, काहे तू बोर करे। क्या चीज पता है तू, बच्चा भला है तू, अब उनको गरम मत कर, यू नाक में दम मत कर। ऐसे चिल्लाएगा तो ये सोएगा कैसे, तो क्या करूं भाई, ऐसे गा ऐसे। सो जा तू मेरे जानी, ये होगी मेहरबानी, मत और पिला पानी, याद आई हमें नानी। जब तक न मिले माल तू है आंख का तारा। अबे अब क्या हुआ, क्यों है रोता हुआ, हम तुझे जान गए तू है पहुंचा हुआ। झड़के चल देना फिर ए लड़के, पतली गली पकड़ के। अब सो भी जा हमको भी बहुत नींद ने मारा, नींद ने मारा। अबे अब क्या हुआ, क्यों है रोता हुआ, हम तुझे जान गए तू है पहुंचा हुआ। सर दर्द है सारा हा, 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 अपने बजे बारा हा, 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 सर दर्द है सारा अपने बजे बारा। बाप हमारा सो जाना तू सो जाना, सो जाना भाई सो जाना। Thank you.
अबे ओ बेड़े, तेरा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं बे? अरे बना रहा हूँ यार, भेजा काय को खाता है? अबे जल्दी बना, नहीं तो ये नाखून के साथ साथ उंगली भी खा जाएगा साला। अबे क्या करता है अबे, मुंह पे थूक रहा है? इधर चुक, बोल रहा हूँ साला, कचरपट्टी की औलाद। देखो क्या हो रहा है भारत देश में। ए खोपड़ी, तेरे को तो अंग्रेजी पढ़ने को नहीं आता रे। किसको पढ़ना नहीं आता? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मेरे को नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। पढ़ना नहीं आता तो क्या हुआ, देखना तो आता है, वो भी स्टाइल से। अब क्या हुआ? अबे ये क्या है, इतना थूकता कोई? तेरा मुंह है के बाल्टी है बे? अरे मैं तो उधर थूक रहा था। चुप, मारूंगा साला, झूठा कहीं का। छी छी, कमाल है, छी सर पे ही मारता रहता है। ठीक गंदा साला। अरे वो तो बच्चा थूक रहा था। अरे बच्चा, बच्चा बोल रहा है, पकड़ जल्दी। अबे लुका बंदा क्या करता है? मारता है यार, तुम झगड़ा करोगे या बच्चे को ढूंढोगे? अरे मगर मैं इस दरवाजे से आ रहा था अभी। अरे उधर जा, अरे उधर क्या देख रहा है? इधर इधर चल। खोपड़ी, इधर से देख रहा था बच्चा, कितना अच्छा लग रहा है। देख रहा था, अभी किधर है बच्चा? बच्चा लुका बंदा अंदर झांक रहा है। अरे वो रहा बच्चा। अरे खोपड़ी पकड़ो, अरे पकड़ो। अबे ये गिर जाएगा। अरे गिर गया तो अपने 15 लाख का है। हाँ? हाँ? मजा। मैं पकड़ता हूँ। आजा। बहुत लगा क्या? फिर से लग गई सर पे। अरे खोपड़ी की खोपड़ी तो पंचर हो गई। नहीं नहीं नहीं, अभी बाकी है। अच्छा, जग लगा, उठा मेरे को। अरे वो तो जा रहा है। अरे यार अरे खोपड़ी, तुझे इससे लगी थी ना, ये ले उठा दिया, फेंक दिया। अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुत्ते उधर। मैं नहीं कूदने वाला। अरे कैसे नहीं कूदेगा? कूदने वाला? अबे नहीं यार। अभी अभी क्या, 1 2 3 और कूदना। अरे नहीं नहीं, मेरे को डर लगता है यार। मैं काम करता हूँ, मैं सीढ़ी से जाता हूँ, तुम लोग ऐसे ही जाओ। अरे यार तुम्हारे आने जाने में हमारा बच्चा निकल जाएगा, वो देख। तो डांट रहा है क्या मेरे को? नहीं डांट रहा है खोपड़ी। खोपड़ी तू एक काम कर, आग बंद कर, आग बंद कर ले, आग बंद कर ले। हाँ रेडी, 1 2 3। खोपड़ी कहाँ है? खोपड़ी कहाँ है? खोपड़ी नीचे चलो। अरे चलो, आए किधर गया? तो इधर ही था। बाकी देखते कहाँ गया है साला। अरे अरे यार, ये छोटू और मोटू कहाँ गायब हो गए यार? खोपड़ी कहाँ गायब हो गया यार? पता नहीं कहाँ चले जा। अरे हट, उल्टा पैसा नहीं है। अबे साले मैं क्या तेरे को भिखारी दिखाई दे रहा हूँ? नहीं तो और क्या है तू? अरे बहस मत करना, तू कितना बात मार रहा है। नहीं तो क्या, जाना यहाँ से। तेरी ऐसी की तैसी साला, मैं खोपड़ी हूँ। खोपड़ी खोपड़ी अरे खोपड़ी अपना यार, खोपड़ी साले ऊपर से फेंक दिया तुम लोग ने। खोपड़ी कहाँ गायब हो गया था तू? कहाँ गायब हो गया था मतलब, दिखाई नहीं देता साला, ऊपर से खुद ही मारा नीचे करके। तो अच्छा हुआ नीचे कचरे का डब्बा था तो मैं बच गया।
नहीं तो मैं मर गया था तेरे बालों में। हम तो समझे थे तू ऊपर चला गया। वो दुखता है यार। नहीं आता वो बच्चा कहाँ गया? वो बच्चा किधर गया यार? साला वो छोटा सा कपूर की गोली की तरह गायब हो गया है। सलाम साहब, क्या मांगता है? रम, विस्की या बियर? कल रात ठीक 10 बजे इस दुकान से एक फोन किया गया था। साहब शराब की दुकान है, बेवड़े लोग बोतल लेने से पहले टेलीफोन घुमाना शुरू कर देते हैं। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस दुकान से कल रात 10 बजे किसने फोन किया था। 10 बजे? साहब 10 बजे तो मेरी दुकान बंद हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, याद आया साहब, उसने मुझे 100 का नोट दिया था। किसने? कालिया ने। कौन कालिया? वो दिन में 3-4 बार दारू की बोतलें लेने आता है। कौन है वो? कहाँ रहता है और कहाँ मिलेगा? सर मैं जानता हूँ, वो इधर 3-4 दिन हुए रहने को आया है। किधर रहता है वो और इस वक्त कहाँ मिलेगा? साहब साहब, सामने वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे। काम का तू हटना है यार, तू ये बाजू देख। हाँ। मैं साले को ये बाजू देखता हूँ और तू इधर ही खड़े रह। तू किधर जा रहा है? खड़ा रहा इधर। हाँ। और नीचे नहीं देखना, चारों तरफ देखना। दूध पिला रहे थे तो नखरे कर रहा था। यहाँ को बाप को आजा नहीं, भाग जा। पता नहीं क्या चीज का बना हुआ ये बच्चा यार। अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते? मैं अंधा हूँ, मुझे कोई दिखाई नहीं करते हो? नहीं नहीं, एक्टिंग नहीं करते। उनका कहने का मतलब है कि जो वो कर रहा है ना वो उन्हें। अरे मतलब मैं अपने आप को खुले आम छेड़ने दूँ? अरे तू समझाना यार। अरे हमें अपना काम करने दे माँ। मैं तुम्हारी माँ दिखती हूँ? एक तो लड़कियों को मंदिर में आके छेड़ते हो और मुझे माँ कहते हो? अरे क्या महाराजा विक्रम सिंह के परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य जिंदा बचा है। ये बालक जो तुम्हारे हाथ में है, इसको खत्म करके मैं अपने वंश का राज कायम करूंगा, कृपाल सिंह। नहीं सेनापति जी, मैं आपके हाथों इस बालक का वध नहीं होने दूंगा। अगर तुम बीच में आओगे तो मैं तुम्हारा भी खात्मा कर डालूंगा। वाह, कैसा लगा सर? वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अब टेक करेंगे जी। असली बच्चे को लेकर आओ। सर असली बच्चा? सर वो अभी आता ही होगा। अरे इतना टाइम हो गया, जल्दी बुलाओ। सर वो क्या है कि उसकी माँ उसको इंजेक्शन लगाकर सीधे यहीं आ रही है। यहीं आ रही है सर, यहीं। व्हाट नॉनसेंस। अरे मुझे पहला नीलानी जी की शूटिंग पे जाना है, अगर मैं लेट हो गया तो वो मुझे अपनी फिल्म से निकाल देंगे। हजूर थोड़ा इंतजार कर लीजिए, पहला जी से बात मैं कर लेता हूँ। और मेरा सीरियल कल संडे एयर पे आने वाला है, आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। तू जा बच्चे को जल्दी लेकर आ। जी मैं भी लेके आता हूँ, जरा संभाल लीजिएगा प्लीज। लाता हूँ, असली बच्चा लेकर आओ। अब बच्चा कहां से लेके आऊं? अरे बच्चा बच्चा चला आ रहा है। इसके साथ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना, कोई भी नहीं है तो मेरा काम तो शूटिंग का पूरा हो जाएगा। बच्चा बच्चा बच्चा, अब तो तेरे नसीब खुल गए, तू स्टार बन जाएगा। हाँ, वो स्टार। अरे बदन टूट गया रे। आप रे। अरे
यहाँ तो शूटिंग चल रही है। अरे ये फिल्म सिटी है, यहाँ शूटिंग नहीं चलेगी तो क्या रम और विस्की चलेगी? अबे बेवड़े, तेरे को हमेशा विस्की और रम के सिवा दूसरा कुछ सुझाई नहीं देता है क्या? बच्चा आ गया सर, सर बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, लीजिए बच्चा ढूंढ। बच्चा किधर है? बच्चा अरे वो फिल्म वाला बच्चा है। अबे ये वही, ये साला बच्चा है कि शैतान है? अबे वही है हमारा बच्चा। क्या बात? अरे महाराजा विक्रम सिंह के परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य जिंदा बचा है। अरे बच्चा, अरे किसी का भी बच्चा उठा के लेकर आते हो? अरे बच्चा ला, मार निकालो इन लोगों को। अरे अरे अबे बच्चा छोड़ ना। अरे सर 5 मिनट की बात है, सिर्फ एक शॉट लेना है। चल उसके बाद लेके जी की दे दी। चल अरे डायरेक्टर को गिरा दिया। अरे मारो इनको। हम जूनियर आर्टिस्ट है, ये काम फाइटरों का है। रमेश फाइटर गिरा रहे हैं, फाइटर इधर हैं, इनको बोलो मारो इनको। अरे अरे इसको पकड़ तो, तुम तो मारने को आ रहे हैं यार। क्या बे पकड़ के? अरे देखो, अरे अरे मारने मारे। अबे पागल है क्या? ये छू तो नहीं रहा, खाली हूँ हाँ हूँ कर रहा है। ये फिल्मी फाइटर है, सिर्फ नजदीक आते हैं, मारते नहीं है। देख ऐसा क्या, तो अपन मार सकते हैं ना? तो ठहर दे। हमें कितना उड़ के गिरा? चुप यार, मुझे पहली मरतबा पता चला मेरे अंदर कितनी ताकत है यार। अरे तेरे अंदर ताकत नहीं है, वो ऐसे उड़कर गिरने के पैसे लेते हैं। क्या बात करता है? हाँ दिखाता हूँ तेरे को, ये देख। पब्लिक को बेवकूफ बना दे यार। अरे फिल्मी फाइट क्या करते हो, असली मारो। हाँ अरे तू भी जाना। अरे मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो स्टार हूँ। अरे स्टार है तो क्या, स्टार नहीं लड़ता, चल चल। मुझे कंपनी की ड्रेस तो लौटा दे। अरे भैया ड्रेस तो लौटा दे। देखा कसम मारा मैंने लोगों को। तूने अकेले थोड़े ही मारा है, हम दोनों ने भी मारा है। चल ठीक है यार। अरे वो किधर है? कौन? कौन? अबे यार, अरे पकड़ लेने। ये क्या फिल्म की पुलिस है क्या? फिल्म वाले नहीं, सिक्योरिटी है असली, गपा गप मारेगी। अरे बाप रे, मारो। ये उन तीनों की तस्वीरें हैं और ये उस बच्चे की। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे वो चारों किसी भी कीमत पे चाहिए। कॉल इट। हम तू लोगन का मुंह मांगे कीमत दे, पर हमारी दू बात तू कान खोल के सुन ले और गांठ बांध ले। पहला एक ई खेल में गलतियां कोनो गुंजाइश नहीं, और दूसरा ये कि हमका हार बर्दाश्त नहीं हो, हमका हार एकदम बर्दाश्त नहीं हो। ई आदमी लोग हमका चाहिए, ई चारों आदमी हम लोगों का चाहिए, और किसी भी कीमत पर चाहिए। शहर के तमाम पुलिस स्टेशन में बच्चे के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स मौजूद हैं, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। उल्टा किडनैपर फोन पे फोन किए जा रहे हैं और धमकियां दी जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, एक एक बिल्डिंग, एक एक होटल और एक एक गेस्ट हाउस की तलाशी लो, और जैसे भी हो फॉरन बच्चे का पता लगाओ। डू यू अंडरस्टैंड? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आई वॉन्ट रिजल्ट एंड इमीडिएटली। डू यू हियर? इमीडिएटली, अंडरस्टैंड? ओवर एंड आउट। कम ऑन। We'll be right back.
बजरंग बली तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस बच्चे को तो बचाया, नाल नाल हम दोनों को भी बचा लिया यार। ओ भाई वो तो जा रहे हैं, चल हम भी अपनी गड्डी की ब्रेक ठीक कराइए। चल चलिए, बच गए मित्रा। आहा, ओ रब तेरा शुक्र है। ओ भाई अरे अरे बहुत थक गया यार। मैं भी बहुत थक गया हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं थका। तू कहाँ से थकेगा, थकते हुए जिनके यहाँ कुछ होता है जो सोचते हैं। तो एक काम कर, तू जरा चारों तरफ ध्यान मार, मैं जरा ऐसा करके सोचता हूँ, दिमाग नीचे करूंगा तो थॉट्स बहुत आते हैं। देख मैं भी थोड़ा सोचता हूँ, लेकिन तू सिर्फ ऊपर मत देख, नीचे भी देख, बच्चा है कहीं निकल ना जाए। मैं भी थोड़ा सोचता हूँ खोपड़ी के साथ सोकर, खोपड़ी में कुछ आता है क्या नहीं। क्या है? माफ करना। माफ करना बोल के फिर सो गया? उठ। ये लोग तो सोच रहे हैं, सोचने दो, बच्चा ढूंढता हूं मैं। बच्चा अगर मुझे मिल जाए तो 5 उसके, 5 इसके, 10 और 5 मेरे, पूरे 15 लाख सब मेरे। अरे दोस्तों से गद्दारी करता है तू। नहीं, बच्चा ढूंढूंगा मैं, लेकिन हम तीनों खाएंगे, तीनों। हाँ खोपड़ी, खोपड़ी बच्चा, बच्चा, बच्चा। गौर मत कर यार। अरे बेड़े, बेड़े बच्चा। अरे क्या बोर कर रहा है रे? अरे रिक्शा में बैठ रहा है। अरे खोपड़ी, सचमुच का बच्चा, बच्चा पागल हो गया क्या? किधर है? रिक्शा में बैठ रहा है। अरे सचमुच अपने से दूर जा रहे हैं अभी। अरे बजरंग बली का भगत भी उसके साथ है। ये बंदर, ये बंदर अपने 15 लाख ले जाएगा। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। अरे मेरा ऑटो लेके भाग गया। थामा रे थामा, रुको ना भाई थोड़ी देर। ए लाइसेंस दा करे। अरे तुमने मेरे भाई की टांग की हड्डी तोड़ दी, तुमको दिखाई नहीं देता है? वो गाड़ी के आगे आगे भाग रहा था। अरे आगे भाग रहा है तो क्या हुआ, तुमको आंखें नहीं है क्या? चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? मुझे एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट पकड़। अरे एयरपोर्ट जाना है, नहीं तो फ्लाइट पकड़नी है, नहीं तो रिक्शा पकड़नी है। चलो पुलिस स्टेशन। अरे तू क्या कर रहा यार? अरे तुम हटो ना यार, तुम काहे को बीच में आते हो, ये मेरे और मेरे भाई का मामला है, तुम चुप बैठो। चलो पुलिस स्टेशन। अरे मुझे माफ कर दो। माफ कर दो क्या, इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए? अरे तू क्या कर रहा यार? अरे तुम हटो ना यार, बोला ना तुमको बार बार, काहे को बीच में आते हो, मेरे भाई की हड्डी तोड़ दी इसने, पैसे लेने। लाओ इधर। सिर्फ 500? अरे ज्यादा मुझसे ले लेना, 1000 रुपए दूंगा खुश। अरे तुम जाओ ना यार, मैं पटा लूंगा। ये क्या है बे? आज के बेवड़े का इंतजाम 500? अबे खुसट, 500 के चक्कर में अगर वो 15 लाख रुपए निकल गए तो
चल गया कि हमने इसको किडनैप किया है। मर गए आज तो। उन दोनों ने कहीं हम लोगों को पहचान लिया ना तो मैं तुम दोनों को छोड़कर भाग जाऊंगा। बकवास करता है, मुंह खोलता है तो। अबे तेरे को देख, पुलिस को मारना देख। साला कुछ करो यार, कुछ सोचो। मैं तो इधर ही आ रहे हैं वो लोग, देखो यार। मैं तुम लोगों को नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। अच्छा बेटा, फिर क्या बैठ गए? क्या हुआ? क्या हुआ? नमस्ते। क्या हो रहा है? नहीं सर, आप उसकी हरकतों पर ध्यान मत दीजिए। क्या है? नहीं, उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा खाली हो गया है। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा है कि उसको जरा ठंडी हवा में घुमाइए तो ठीक हो जाएगा। देखो, तुम लोगों ने इधर कोई बच्चा देखा है? हाँ साहब, देखा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि रोज रात को सपना देखता हूँ ना कि मेरी शादी हो गई है और मैं दर्जनों बच्चों का बाप बन चुका हूँ। ये भी थोड़ा पागल है सर। मैं सपने वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। कुछ समझ में आया कि नहीं? ये रही उस बच्चे की तस्वीर, अगर ये कहीं दिखाई दे तो पुलिस स्टेशन में खबर करना। अरे खोपड़ी, ये तो अबे आप को अगर मिले तो हम सबसे पहले आपको आपको बताएंगे साहब, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। क्या हुआ, क्या बात है? पागल है ना? ए, तुम्हारा इलाज कहाँ पे चल रहा है? इलाज काय का इलाज? डॉक्टर दीक्षित, दीक्षित पागलों के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उन्हीं का इलाज इनको चल रहा है। हाँ, उनका नाम सुना है मैंने, बहुत सुना है। लेकिन खुली हवा में सैर कराने के साथ साथ इसके सर पर आंवले का तेल भी लगाया करो, समझे? सर, आंवले के तेल से भी अच्छा इलाज है मेरे पास। वो ये है कि सुबह सूरज निकलने से पहले नाक के एक नथनी से पानी अंदर खींच कर दूसरी नथनी से निकाला जाए तो इनके दिमाग का सारा मैल बाहर, पागलपन दूर और फायदा नहीं हुआ तो पैसा वापस। अरे वाह, हवलदारी से पहले चौपाटी पे दवा बेचते थे क्या? अरे तुमको कैसे मालूम? तुम ज्योतिषी हो क्या? हवलदार। मैं कहा, तीन पागलों के बीच में फंस गया हूं यार। पहला कौन? ये। दूसरा तू। तीसरा पूछ मत, पकड़े जाएंगे, बहुत चला रहा है यार। अरे हवलदार, जाओ ना, अपना काम करो यार, भगवान भला रखेगा। अरे सुनो,
ये पागलपन के दौरे में किसी को तंग तो नहीं करता? पागल कौन है? मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल ये बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ। खैर, वो बच्चा अगर कहीं नजर आ जाए तो हमें खबर कर देना। जाओ तो सही। अरे खोपड़ी धुआ। अरे ओपे कुछ आग लगी है। अरे बुझाओ। आग बुझा। अरे बुझाओ। तू बुझा। मैं नहीं, तू तू पहले। मैं बुझा। नहीं, हम दोनों साथ में आग बुझाते हैं। एक दो तीन। अबे क्या क्या तूने आग बुझाई? उल्लू क्या पटे? आग तो बुझा दी, बाकी सब फ्रैक्चर कर दिया। वो तो पहले ही सही था। वो किधर? अबे बच्चा किधर है? बच्चा अरे ये देख, जा रहा है, जा रहा है। पकड़ो 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 उसे। पकड़ो जल्दी। अरे अरे चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, सब घूम रहा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, चक्कर आ रही है। अबे पहले देखो वो किधर है। अरे बच्चा वो देख, पकड़ो वो लो, देखो वहां ऊपर बैठा है। लेकिन अपने पैसे तो जाएंगे पानी में, गिर जाएगा। अरे 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 पकड़। इतने से बच्चे ने बर्बाद कर दिया यार, पकड़ो उसको यार। आइए साहब, जल्दी आइए। अरे हां सर, वो ऊपर जाएगा सर। ऊपर बच्चा, बच्चा हां बैठिए बैठिए बैठिए। अरे वहां जाना है, चल जल्दी। हां अभी बैठिए, बैठो बैठो जल्दी। चलो अभी जल्दी आइए, चल चल। अरे बाप रे, चलो। चलो बेटे, तुम्हारा राउंड पूरा हो गया, उतरो नीचे। अरे 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 नीचे नीचे नीचे। हम पहुंच गए। अरे अरे रोकना यार है। अरे कैसे उतरे? उतर उतर। तो दिमाग फिर गया यार, कहाँ गया? क्या कभी इधर कभी उधर, ये बच्चा है कि क्या? क्या करूंगा ढूंढ ढूंढ के। अरे अबे हटना, क्या क्या है रे? तुम लोग क्या समझे थे पैसा देने के बाद मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा? हा? बच्चा कहाँ है? अरे काहे का बच्चा, वो साला उल्टा हमारा बाप है, डेढ़ फुट का शैतान, नाक में दम कर दिया साले ने हमारे। अरे वो तो हमारे हाथ से निकल ही गया था बापू, बड़े मुश्किल से हमने उसको पकड़ा। क्यों? अरे जब वो मिला, तुम्हारे आदमी हमें पकड़ कर यहाँ ले आए। आगा सेठ, बच्चा मिल गया। गुड जॉब, गुड जॉब। ये रहा बच्चा। क्या बच्चा बच्चा कर रहे हो? मिल गया। हेलो वकील बाबू, अपन के पैसे लाओ जल्दी। पैसे किस बात के? बच्चा तो मेरे आदमी पकड़ के लाए हैं। हमने इसे इसके नाना के घर से उठाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। हमने इसे खिलाया पिलाया। अरे लोरी भी सुनाई। और तुम कहते हो तुम्हारे आदमी पकड़ के लेके आए? देखो वकील साहब, जो खोपड़ी बच्चे को जज के घर से उठा के ला सकती है, वही खोपड़ी बच्चे को जज के यहाँ पहुँचा भी सकती है। हमने से पंगा लेना नहीं है। पैसा जल्दी दे देना, वरना बेवड़े का श्राप लग जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद तो अब तुम तीनों हो गए। तुम राजू भटनागर की शायद आदत जानते नहीं, वो जिससे काम लेता है उसका इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए पत्ता साफ कर देता है। बांधो इन तीनों को। जस्टिस सिन्हा। यस स्पीकिंग। आपका नाती हमारे कब्जे में है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजू भटनागर की रिहाई। व्हाट, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? अगर कल कोर्ट से राजू भटनागर को तुमने रिहा नहीं किया तो अपने नाती की लाश देखकर तुम और तुम्हारी बेटी जरूर पागल हो जाएंगे। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। हम अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकते। इस नहीं का अंजाम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
जस्टिस सिन्हा। हेलो हेलो, किसका फोन था डैडी, किसका फोन था? किडनैपर का। वो मुन्ने के बदले राजू भटनागर की आजादी चाहता है। तो छोड़ दीजिए राजू भटनागर को, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए डैडी। मैं तेरी ममता की तड़प को समझता हूँ बेटी, लेकिन कानून का गला घोट के, कानून का रिश्ता आपसे सिर्फ पैसे का है, सिर्फ रोजी का है, मुन्ना आपका खून है डैडी। बेटी ऐसे अल्फाज बोल के अपने बाप के फर्ज को गाड़ी मत दो। एक जज होने के नाते दुनिया के हर रिश्ते से बड़े मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज है। मोना चुप हो जाओ, मोना चुप हो जाओ। मैं तुझसे वादा करता हूँ मोना, इससे पहले कि तेरे डैडी को झुकने पर मजबूर होना पड़े, मैं अपने मुन्ने को लेकर आऊंगा। बता मेरा बंटी का है? बता मेरा बच्चा कहाँ है? बता मेरे मोंटी को कहाँ छुपा के रखा है? हेलो, तुम्हारा पति राजू भटनागर को रिमांड पर पुलिस लॉकअप में ले गया है। अगर उसने उसे वहां हाथ भी लगाया तो याद रखना, तुम्हारे बच्चे का आशीर्वाद पूरा होगा। नहीं, प्लीज प्लीज मेरे मुन्ना को कुछ मत करना, भगवान के लिए उसे छोड़ दो। अगर तुम अपने बच्चे को सही सलामत चाहती हो तो विकास से कहो कि राजू भटनागर को पुलिस लॉकअप से भागने का मौका दे, और अगर ऐसा नहीं ना हुआ तो एक बात हमारे कान खोल के सुन लो कि हम तेरा बच्चा का इतना टुकड़ा कर दूंगा, इतना टुकड़ा कर दूंगा कि गिनते गिनते थोड़ी उम्र कट जाएगी। मेरे बेटे का पता बताए बगैर मौत भी इसका पत्ता नहीं काट सकती। हेलो, मैं इंस्पेक्टर शांता आपटे बोल रही हूँ। डीसीपी विकास वर्मा को फोन दो, बहुत अर्जेंट बात करनी है। एक मिनट मैडम, होल्ड करा। बता साहब, आपके लिए फोन है, इंस्पेक्टर आपटे लाइन पर हैं, बहुत अर्जेंट बात करनी है। हेलो, आपकी बेटे का पता चल गया है सर, वो वर्सोवा की सिल्वर क्राफ्ट बिल्डिंग में देखा गया है। हमने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है, आप फौरन चले आइए। तुम उधर ही रुको, मैं अभी पहुंचता हूँ। इस सुअर के बच्चे का ख्याल रखना। यस सर। फौरन वर्सोवा चलो, कम ऑन। अरे मैडम, आप यहाँ? विकास जी तो नहीं है? हाँ मैं जानती हूँ, वो राजू भटनागर कौन सी लॉकर में बंद है? यहाँ, यही इसी लॉकअप में है सामने। अच्छा अच्छा। अरे ये क्या? हिलना नहीं, वहीं रुक जा। मैडम आप पिस्तौल भरी हुई है, गोली चल जाएगी। गोली चलेगी नहीं, बल्कि मैं चला दूंगी। मैडम आप गैर कानूनी हरकत कर रही हैं। मैं कानून अच्छी तरह जानती हूँ। राजू जल्दी आओ। मैडम ये बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, इसने आपके बेटे को किडनैप किया है। अबे चुप, मैं कहता हूँ आप लोग रुक जाइए वहीं पे। पास मत आना। मैं कहता हूँ आप लोग चुप। मैडम ये आप गलत कर रही हैं, मैं कहता हूँ कि आप खोपड़ी, ए खोपड़ी। अरे यार कुछ ऐसा चक्कर चला ना कि राजू के आने तक अपने को बेवड़ा मिलता रहे। अरे तेरी ये दा...
की वजह से हमारा यह हाल हुआ है। वो कैसे? तेरे ही कहने से खोपड़ी ने जेल में राजू भटनागर को लूटने का प्लान बनाया था। हाँ। वो ना होता तो राजू भटनागर से दोस्ती ना होती और ना ही हम बलि चढ़ते। अरे तुझे भी तो इम्पोर्टेड सिगरेट और तंदूरी चिकन चाहिए था ना। अबे यार ये बकवास करके क्या फायदा है, ये सोचो ना कि यहाँ से निकले कैसे। अरे यार सोचने का काम तेरा है, अपन तो तेरी सोच पे अमल करते हैं। ए बेवड़े, हाँ मैं लुढ़क के तेरे पास आता हूँ, तू अपने पैर से मेरी ये रस्सी खोल दो। अरे अच्छा है यार, ए एड़े मेरे पैर खोल। इसलिए तो कहता हूँ दारू कम पी, देख नहीं रहा मेरे पांव भी बंधे हुए। अब तो अगर भगवान ही मदद करे तो फिर बचने का कोई चांस है, नहीं तो गए काम से। ये लो आ गई फसाद की जड़। देखा मजाक उड़ा रहा है हमारा। आओ कन्हैया, लगता है तुम्हारे कारण डूबी हमारी नैया, तुमको उठाया था ना, शायद उसी की सजा मिल रही है हमको। हा? क्या अबे चला ना, मैं आज तो बुझा भी नहीं पाऊंगा, मैं हालत देख रहा मेरी। ए बेवड़े बेवड़े, ये पिछवाड़े आग तो नहीं लगी? लगी है। हा? कब? अरे खोपड़ी हेल ना मत, तेरी रस्सी जल रही है। जल्दी जल्दी खोल। अरे आराम से यार खोपड़ी, अरे यार हाथ तोड़ देगा। खुल गया हाँ। अरे ये मेरे राजा, तू तो सचमुच का कन्हैया निकला यार। खोपड़ी एक काम करते हैं, इसको इसके घर पहले पहुंचा देते हैं। हाँ। देखिए पहली मरतबा तूने अकलमंदी की बात कही है। मैं यही बोलने जा रहा था। हाँ, तू सब बोलने जा रहा था। चल पकड़ इसको, चल निकलो जल्दी, भागो भागो जल्दी, भागो चलो भागो। देखो हर काम समझदारी से होना चाहिए, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और दादा, वेलकम राजू भाई, वेलकम, आजादी मुबारक हो। मैंने कहा था ना दागा कभी हारता नहीं। इस त्रुप की मेम ने तो बाजी पलट दी। नहीं भाई, मेरा इस देश से निकलने का इंतजाम किया कि नहीं? मड आइलैंड पे बोर्ड आपका इंतजार कर रही है। गुड। लेकिन अभी खबर आई है कि शहर में पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी है। राजू भटनागर को पुलिस के साथ आंख बिचोली खेलने में बहुत मजा आता है। तू देखना डागा मैं क्या करता हूँ। तुम लोग कुछ भी करो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कहाँ है मेरा मुन्ना? बोलो कहाँ है मेरा मुन्ना? हाँ हाँ भाई कमाल है डागा, कहाँ है मुन्ना? मुन्ना लाके दो। ए उठ, बच्चा कहाँ है? बच्चा यही होगा। हा? बच्चा कहाँ गया? हाँ चलो देखो। डागा साहब ऊपर तो कोई भी नहीं है, और बच्चे के साथ साथ वो तीनों लोग भी गायब है। मैंने तो उन तीनों को रस्सी से बंधा दिया था। अभी तक वो रस्सी नहीं बनी है वकील साहब जो हमें बांध सके। और तुमने तो सुना होगा बांधने वाले से बड़ा खोलने वाला होता है। खोलने वाला नहीं, जलाने वाला। और जब वो गुस्से में आएगा ना तो तुम बेईमानों की लंका को जलाकर खाक कर देगा। कहना क्या चाहते हो तुम? अजू भाई हम लोगों का रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने बेईमानी का काम भी हमेशा ईमानदारी से किया है। हमने तो बच्चे को किडनैप किया, लेकिन तुम्हारे इस वकील ने पैसे देने से इनकार कर दिया। झूठ बोलता है ये बच्चा, ये लोग नहीं मेरे आदमी लेके आए थे। अच्छा तो जज साहब के घर भी तुम्हारा ही आदमी गए थे ना? उसके घर पे आग भी तुम्हें नहीं लगाई? और वो जो छोटा सा है उसके नखरे भी आप ही ने बर्दाश्त किए हैं शायद। उसको बताओ उसने हमारे इसी बैंड बजाई है कि बताओ। नहीं नहीं जानते, अभी टाइम नहीं है। बकवास बंद करो और ये बताओ कि बच्चा कहाँ है। देखो राजू भाई अपन तो पब्लिक टेलीफोन है, सिक्का डालो और बात कर लो। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। वादा और आधा अपन नहीं पहचानते, अपन का उसूल है ये साथ दे और उसी हाथ से ले। क्या बोलते हो? ये रहे तुम्हारे पैसे, हमारा बच्चा लेके आ। मम्मी
तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी। वाह, कैसा है तू? बच्चा यहाँ आओ, come on, come on, come on। चल, अपने पालतू कुत्तों से बोल, हथियार फेंक दे। बोल। बोलता हूँ ना। चलो भाई कुत्तों, हथियार फेंक दो। ये रही आपकी अमानत। इसे तो हम आप ही के पास ला रहे थे, लेकिन आपको देखा इसलिए रुक गए। मन्ना, मेरा बच्चा। Hey, खबरदार, खबरदार, कोई नहीं हिलेगा। Hey, चल उधर, चल उधर, चल। कुत्ता साला, हैं? अब बोलो कि तुम गद्दारों के साथ क्या सलूक किया जाए, हाँ? मेरे पास वक्त बहुत कम है, वरना मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर ऐसी मौत मारता कि मौत भी शर्मा जाती। अफसोस, अफसोस कि अब तुम्हारे साथ ये भी मरेगी। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि राजू भटनागर अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। और रहा सवाल इस बच्चे का, अरे ये बच्चा तो मेरी जान है, जान, क्योंकि ये मुझे पुलिस से बचाकर अपनी बोट तक पहुंचाएगा। और उसके बाद मैं इसके छोटे 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 टुकड़े करके मछलियों को खिला दूंगा। चपाती पकड़ा, हट, बजवट, ये रख। हमका बेवकूफ बना के कहाँ जाती है छमिया? तो मिलने वाला नहीं, दाना पानी को कुछ तो चाहिए। हाँ। पर इतना बड़ा पर्स खाली 5 रुपए इसमें यार। अरे यार, मारते भी हो और पर्स भी चुराते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए, पर्स में सिर्फ 5 रुपए रखता है साला। मार साले को। ये बच्चा हमको दे रानी, वरना हम तुका गोली मार दे। नहीं, मैं बच्चा नहीं दूंगी। हम खुद हनुमान का भक्त हूँ, जब हनुमान बली जैसे से चल जाएगी, चल जाएगी, चल जाएगी, चल जाएगी भाई। अरे अरे इधर नहीं, इधर नहीं, अरे क्या करता है? अरे हम हीरो पार्टी के, विलन पार्टी
डराओ नहीं मोनिका, मैं मोंटी को सही सलामत लेकर आऊंगा। कहता हूं कि नहीं दूंगा। रुक जा, वरना तुझे जान से मार दूंगा। अरे तू मेरी जान तब तक नहीं ले सकता जब तक तेरी जान मेरे पास है, और अगर हिम्मत है तो चला गुड़ी चला। ने तुझे जिंदा छोड़ दिया, हम होते ना हम तो राजू के भट्ट को भुट्टे की तरह भूनते और नागर को नागरा बनाकर पैर में पहना देते। विकास साहब, हम सबको माफ कर दीजिए, हम लोगों के कारण आपको बच्चा लफड़े में आ गया सब, इसलिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। सच पूछो तो भगवान ने आप तीनों को हमारे बच्चे की रक्षा के लिए भेजा था, अगर इनकी जगह राजू के गुंडे मोंटी को उठा ले जाते तो न जाने हमारे बच्चे की क्या हालत होती। मैं कानून से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों की सजा में रियायत बरती जाए। सजा तो हम लोगों की गजा है। जी हाँ, जैसे पेट को खाने की जरूरत पड़ती है वैसे हमें 2-3 महीने के बाद सजा की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस बार सजा काटने के बाद जब हम बाहर निकलेंगे ना, हम मोंटी बाबा की सौगंध खाकर कहते हैं कोई बुरा काम नहीं करेंगे। अरे वाह येड़े, तूने तो पेड़ा खाने वाली बात की। ये सब मोंटी बाबा के साथ और बजरंगबली के भक्त के चमत्कार का कमाल है। नमस्कार। नमस्कार। अबे अब क्या हुआ, क्यों है रोता हुआ, हम तुझे जान गए तो है पहुंचा हुआ। अबे अब क्या हुआ, क्यों है रोता हुआ, हम तुझे जान गए तो है पहुंचा हुआ। सर दर्द है सारा, हा हा हा, अपने बजे बारह, हा हा हा, सर दर्द है सारा अपने बजे बारह, हमने तो ये माना कि तू है बाप हमारा, बाप हमारा। अबे अब क्या हुआ, क्यों है रोता